हाउ आर यू। होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने हिंदी के क्लास में लास्ट पीरियड में क्या किया था आपको याद है? जी हाँ, हिंदी। मैंने आपको राजा की बेटी कविता सुनाई थी, उसके बाद मैंने आपको 1 से 20 गिनती बोर्ड पे भी दिखाई थी और लिखना भी सिखाया था, कैसे उसको लिखते हैं हिंदी में, अंकों में, शब्दों में। और डिफरेंस दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे 5 था उसको दो तरह से हमने लिखा था, 8 को दो तरह से लिखा था, और आपको 3 और 9 के बीच में आप जो कंफ्यूज होते हैं वो 6 और 3 के बीच में, 1 और 9 के बीच में जो वर्ड्स, मतलब अंकों में आपको कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर किया था। तो आज हम पहले 1 से 20 रिवाइज करते हैं और फिर मेन चैप्टर आपके 1 से 50 कराते हैं, ठीक है? पहले 1 से 20 गिनती फिर से रिवाइज कर लें। आप जितनी बार उसको बोलेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, उतनी ही आपको लर्न होगी, फिर आपको वापस से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 1 से 20 गिनती पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपनी 21 से 50। चलिए शुरू करें, पढ़ लेते हैं एक बार आपके से, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां तक के शब्द में आपको क्लियर किया था कि 14 और अब जो वर्ड्स आएंगे उसमें ई बड़ी एंड पीछे क्या आएगा, सर। यानी अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना 21 से 30 तक की गिनती, उसमें पीछे बड़ी थी और सर फिर कॉमन होता जाएगा 29 तक, देन उसके बाद आगे चेंजेस। तो चलिए अब हम 21 से 30 की गिनती पहले पढ़ते हैं, अंकों में भी देखते हैं, शब्दों में भी देखते हैं, थोड़ा सा जूम करती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे और फिर आगे हम लिखना भी, हर ग्रीन बोर्ड पे हम लिखना भी आगे आपको सिखाऊंगा। चलिए 2 1 1 का हम देखिए लेफ्ट साइड है, 9 का उस साइड होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। 9 ये 1 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30। सबके पीछे देखिए बड़ी ही और सर। अब जब 30 की लाइन स्टार्ट होगी, 31 से 40 स्टार्ट होगी, तो सबके पीछे अगेन हम 31 32 सबके पीछे 30 वर्ड आएगा, क्या आएगा 30। जैसे देखेंगे 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 5 भी आपको दो तरह से मैंने आपको लिखना सिखाया था, एक बार आप इस ग्रीन बोर्ड पे जब लिखूंगी तब देख लेते हैं, ठीक है? 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 या 39, क्योंकि ये 40 से पहले का वर्ड है इसलिए 39 4 0 40। अब जो वर्ड आएंगे उनके पीछे आ ली स ये लिखा, आ की मात्रा जो भी वर्ड है, या है या च है या न है, जैसे 4 1 41 4 2 42 4 3 43 या 43 भी लिख सकते हैं, 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 और 49 प भी लगा सकते हैं 49, क्योंकि वो 50 से पहले का वर्ड है, एंड देन 50 5 0 50। तो ये हमारी 21 से 50 तक की गिनती आपकी बुक में भी इस पेज पे दे रखी है। आप इसमें से भी अच्छे से अंक और शब्द में एक बार और लिखेंगे इस कॉलम में तो आपको लर्न भी हो जाएगी, लेकिन बोल बोल के लिखना है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अब बोर्ड पर भी लिखकर दिखा देती हूँ कि कैसे फॉर्मेशन करना है जिससे आपको और इजी पड़े, देखने से ज्यादा हम जब लिखते हैं और खुद लिखेंगे तब ज्यादा आइडिया है। तो चलिए अब उसमें हम ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए अभी हम बोर्ड पर लिखना सीखते हैं, अंकों में मैंने यहाँ पर लिखा है अंक और ये है हमारे शब्द।
अब हम 21 से 30, 33 से 40 और 48 से 50 में लिखेंगे। 2 8 21, ध्यान रखिएगा जो वर्ड आता है वो आगे आधा बड़ी एंड स ये सब में कॉमन है। 22 अगेन बड़ी ही, अगर यहाँ बड़ी की मात्रा है तो, अगर बड़ी की मात्रा नहीं है तो ई लिखा है तो वो भी बड़ी ही है। 23 ही लिखते हैं कहीं वो भी चलेगा। 23 या 23, 24 अगेन बड़ी की मात्रा है स। 25 बड़ी की मात्रा स, 2 5 25। 26 बड़ी स। 27 सत्ताईस भी बोलते हैं वो भी चलेगा। 28 आधा ट, एक दूसरे के नीचे ऊपर भी हो सकते हैं और ऐसे आधा टल भी हो सकते हैं। 29 30, अब जब 30 का वर्ड आना शुरू हो रहा है उससे पहले वाला वर्ड 30 29 आएगा और उसके बाद के सारे वर्ड्स में भी 31 32 33 30 30 पीछे आएगा। 21 की लाइन में सब में बड़ी ही और स, बड़ी ही यानी स, ये आपको ध्यान। ओके, अब 31 से 40, 31 से 40 की लाइन देखेंगे। अब सब वर्ड के बीच में आपको जैसे बताया 31 30 30 ज्वाइन होना चाहता है। 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 5 को मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 6 36 3 7 37 या 37 जो भी है वो भी चलेगा, 37 भी चलेगा। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38। 3 9 39 और 4 0 40। अब इसके बाद जो 41 से 50 आई थी उसमें सारे वर्ड के पीछे 41 आ लीस ये वर्ड ज्वाइन होगा, 41 42। इसके बाद हम 41 से 50 देख रहे हैं तो हमारी 21 से 50 की गिनती पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम 41 से 50 की गिनती देख लेते हैं। पहले 41 से सबके आगे क्या आएगा, आ लीस आलिस लिखेंगे। 41 4 2 42 4 3 42 4 4 44 4 5 45 5 दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें मैंने ये वाली तरह से लिखा है और एक ये वाला तरह वो स्क्राइब करा था ये 4 6 46 आ बीस सबके पीछे आएगा आलिस। 4 7 47 4 8 48 4 9 49 या 49 और 5 0 लास्ट में 50 5 0 50। तो ये हमारी 41 से 50 की गिनती हुई। इस तरह हमने आज 21 से 50 तक की गिनती देखी, बोर्ड पे भी देखी थी हमने प्रोजेक्टर पे, प्रिंटेड जो लिखे हुए थे वर्ड्स वो भी लिखे बुक में से, और अब हमने बोर्ड पे भी लिखी देख ली जिस जिस वर्ड में अलग अलग तरह से लिखते हैं। 5 है 8 है तो ये आप दोनों तरह से, 9 ये 2 3 में दो तरह से लिख सकते हैं तो आप भी वैसे लिख सकते हैं। उसकी बात 3 और 6 में कंफ्यूज नहीं होना है, 3 का मुंह इधर है एंड 6 का मुंह इधर है, छोटा लेफ्ट बड़ा राइट। ऐसे ही 1 और 9 एक लिखते हैं और 9 लिखते हैं, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, 1 का मुंह लेफ्ट साइड 9 का मुंह राइट साइड। तो इस तरह हमने 41 से 50 की गिनती देखी। हमारी ये गिनती का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है, वर्कबुक में मैं एक्सरसाइज देखती हूँ देऊंगी और अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में लिखना भी सीखूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।